आपको नंबर बनाना सीखना पड़ेगा. सो लेट लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स, अच्छी बात है सर. एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू वाई, वेरी गुड सर, थैंक यू. तो मेरा जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर. अब यहाँ पे बेटा बहुत टाइप के कंफ्यूजन होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू 10y प्लस एक्स, ठीक है. उसके बाद आप लिखो न्यू नंबर. न्यू नंबर में आपने क्या किया, आपने टेंस डिजिट को x बना दिया और वंस डिजिट को y बना दिया. तो न्यू नंबर विल बी इक्वल टू 10x प्लस y. बहुत अच्छी बात है सर. द नंबर ऑब्टेंड इज 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी कि 10x प्लस y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 10y प्लस x माइनस 9. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सर, सो व्हाट यू विल गेट, 9 इज इक्वल टू 30y प्लस 3x माइनस 10x माइनस y. सो इट विल बी इक्वल टू 29y माइनस 7x. ऐसा तो नहीं आना चाहिए. ऑन रिवर्सिंग द नंबर ऑब्टेंड इज 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर. द नंबर इज इक्वल टू 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, ठीक है. ये तो होगा ठीक है, ये 20 है, 30 है, 29 है, ठीक है. सो एक इक्वेशन आपकी आती है 29y माइनस 7x इज इक्वल टू 9. एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री नंबर, अब यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को, कौन सा नंबर बड़ा होगा. जुडिशियसली सोच के बताओ कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए. विच नंबर शुड बी ग्रेटर, द ओरिजिनल नंबर और द न्यू नंबर, कौन सा नंबर बड़ा होगा यहाँ. New number should be greater because the new number is equal to 3 times of original number minus 9. Original number ko main 3 se multiply karo fir 9 ko ghatao. That means I can make it a guess that the new number should be greater. So according to the question, 10x plus y minus 10y plus x is equal to 45. So solving what you will get, 9x minus 9y is equal to 45, or you will get x minus y is equal to 5. Ab x minus y aapke paas 5 aa gaya, so 5 is equal to x minus y. Ab kaise kare sir, ek aayi ye equation, ek dusri equation aayi, dono equation ko solve kar do and you will get the answer of this question. एक इक्वेशन आया आपका 29y माइनस 7x इक्वल टू 9, दूसरी इक्वेशन आई आपकी x माइनस y इक्वल टू 5. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, यू विल गेट द आंसर. व्हाट आंसर यू आर गेटिंग माय डियर फ्रेंड्स, 27. सो यू गाइस आर गेटिंग 27. सो इज वाज इट द क्या आप लोग को इक्वेशन भी यही मिल रही थी या इक्वेशन कुछ अलग मिल रही, कोई ऐसा है जिसको इक्वेशन अलग मिल रही थी, एनीबडी इन द क्लास? ओके, सो आई एम नॉट सॉल्विंग द इक्वेशन. यू गाइस कैन सॉल्व द क्वेश्चन इक्वेशन ऑन योर ओन. यू गाइस कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑन योर ओन. सो द नंबर इज कमिंग आउट टू बी 27. एक नंबर 27 हो गया, दूसरा नंबर 72 हो गया. सो दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 45 हो गया. एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम हैविंग अ डाउट. What if मैं ये realize नहीं कर पाया कि my new number is greater than my original number, and मैंने जो equation यहाँ पे लिखा वो मैंने y minus x equal to 5 लिखा. Will it make any difference? No, sir. Just the original numbers digits will be y and x respectively. नो, व्हाट आई एम सेइंग इज, यहाँ पे जो हमने बात की थी कि भाई हमने ये पता लगाया कि द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स इज 45, तो
अगर मैं मान लो कि मैं उल्टा करता तो फिर क्या होता, उस केस में क्या डिफरेंस आता? दैट इज योर होमवर्क, प्लीज ट्राई एंड टेल मी कि क्या डिफरेंस आता अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर देता, उल्टा इन द सेंस कि मैंने जो यहाँ पे डिफरेंस लिया ना उसको मैं इस तरीके से कर देता, 9y - 9. हाँ बोलिए. That actually I did reversed only. Then at last I got y is equal to 2 and x is equal to 7. Okay. So then I realized that I did it wrong. Then I got that the digits will be y and x. Very good. Very good. ठीक है. So I got the answer also. जो मेरे को doubt था, doubt का मेरे को answer भी मिल गया. ठीक है. So this is how you are required to solve this.